आप क्यों तो भटाओ क्यों, जब क्यों पढ़ाएंगे तब क्यों बुलाना। देखो बाबू कल एक क्वेश्चन दिया था स्विमिंग पूल वाला, है ना, उसको बताना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद उसको भी कर लेंगे। अब 10 मिनट लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से समझना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्यूब क्यूबाइड पढ़ा रहे हैं, तो क्यूबाइड का वैल्यूम आपको बताए हैं, कोई भी बाबू क्यूबाइड शेप है उसका वैल्यूम बताए, उसका वैल्यूम बताए ना, क्यूबाइड का वैल्यूम कितना होता है सर, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है बाबू, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है, ठीक है ना, क्यूबाइड का वैल्यूम मेरा कितना होता बाबू, है ना, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाबू आपको बताए हैं, वैल्यूम कितना होता है सर, एल होता है, बी एच होता है ना, एल बी एच होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, है ना, ठीक। तो वही कह रहा बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन बाबू टू द वैल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड बाबू इफ इट्स लेंथ इज बाबू डबल, लेंथ को डबल कर दिया जाए और हाइट सेम रखा जाए और ब्रेथ को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसका वैल्यूम कितना बदल जाएगा। मतलब शुरू में कुछ क्यूबाइड रहा होगा, शुरू में कोई क्यूबाइड रहा होगा जिसका लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, हाइट मान लो, और उसके बाद क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ मान लो इतना गो, इतनी गो लेंथ है, उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, हाइट को सेम रखा, हाइट मेरा नहीं बदला, और फिर क्या किया, ब्रेथ को क्या किया, हाफ कर दिया, ब्रेथ को क्या किया, हाफ कर दिया, तो उस केस में उसका वैल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वैल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही यही आपको निकालना है, वैल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपको निकालना है। तो हम लोग मान लेते बाबू, है ना, लेट मान लेते बाबू, क्या करेंगे, शांति से समझना, लिखना नहीं है, लेट बाबू लेंथ ऑफ बाबू, लेंथ है ना बाबू, लेट बाबू लेंथ ब्रेथ, लेट बाबू लेंथ ब्रेथ एंड बाबू हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, ऑफ ए क्यूबॉइड, कोई क्यूबॉइड बाबू जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमने मान लिया बाबू, है ना, कितना मान लेते हैं सर, लेंथ को एल मान लेते हैं, ब्रेथ को बी मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, है ना, या ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, ऐसे नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो लेट लेंथ ऑफ ए बाबू, हम लोग कैसे मानेंगे, ऐसे कर लो शैतान, नॉर्मल में उतना नहीं समझ में आता, तो लेट लेंथ कितना मान लेते हैं सर, एल मान लेते हैं, ब्रेथ हम लोग कितना, लिखना नहीं है जी, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ब्रेथ हम लोग को बी मान लेते हैं और हाइट हमको क्या मान लेते हैं, सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 5 नंबर, शांत रहो, शैतान पढ़ता लिखता है बहुत है, पढ़ने में फिक्र था, ठीक, लेंथ एल मान लिए, ब्रेथ बी मान लिए और हाइट को एच मान लिए, पहले शांति से समझो, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा सर, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड हो जाएगा सर, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करा, लेंथ को डबल कर दो नाव बाबू, ठीक, लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, नाव क्या हो गया, लेंथ इज डबल, समझना है, लेंथ इज क्या हो गया, डबल हो गया, लेंथ डबल होता, पहले लेंथ एल ना था सर, अब लेंथ कितना हो गया, डबल हो गया, तो एल दुगना हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, यही तो करना है, टू एल हो गया लेंथ, ठीक। नेक्स्ट बाबू ब्रेथ, ब्रेथ ब्रेथ मेरा क्या करा, हाइट इज सेम करा, ब्रेथ क्या करा, हाफ करा, तो लेंथ इज डबल हो गया, ब्रेथ मेरा कितना, पढ़ने के लिए मैं आती हूं भाई, ब्रेथ इज कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ऐसे अनम्यूट करो, ब्रेथ इज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो पहले ब्रेथ बी था, इसका आधा कितना हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू हाइट, हाइट बाबू हाइट क्या करा, सेम करा, हाइट इज सेम करा, हाइट इज क्या करा, सेम करा, तो हाइट सेम करा, तो पहले हाइट एच था सर, तो बाद में भी हाइट कितना हो गया, एच हो गया, तो आपको क्यूबॉइड का लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, हाइट निकल गया, है ना, तो आपको क्या निकालना है, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना, क्या निकालना, वैल्यूम निकालना इस डाटा से, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना, है ना, क्यूबॉइड निकालना, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा सर, कितना होगा, ये एल बी एच निकालो, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है, हाँ सर, लेंथ के जगह कितना, 2L, ब्रेथ के जगह कितना रखेंगे, b by 2 रखेंगे, और हाइट के जगह h रखेंगे, तो ये 2 2 मर जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो वैल्यूम ऑफ वो जो न्यू क्यूबॉइड आ गया, ये वैल्यूम ऑफ क्या हो गया, न्यू क्यूबॉइड कर दो, नया वाला क्यूबॉइड कर, वैल्यूम ऑफ ये क्या हो गया, न्यू क्यूबॉइड हो गया, शांति से समझते चलना, ये न्यू क्यूबॉइड हो गया, है ना,
ये वैल्यूम ऑफ न्यू क्यूवेट कितना हो गया, एलवीएच हो गया सर। और ओल्ड वैल्यूम का बाबू क्यूवेट कितना है, एलवीएच है, वैल्यूम क्या हो गया, दोनों का सेम रह गया। तो हमने लेंथ को डबल किया, ब्रेथ को आधा कर दिया, ब्रेथ को उसके आधा कर दिया, तो वैल्यूम में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। वही कह रहा बाबू, व्हाट विल हैपन बाबू टू द वैल्यूम ऑफ क्यूवेट, अगर लेंथ को दुगना कर दिए और ब्रेथ को आधा कर दिया तो क्या होगा, वैल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। पहले जितना वैल्यूम था सर उतना ही वैल्यूम आ रहा ना, पुरानका बाबू पुरानका क्यूवेट का वैल्यूम एलवीएच, नेको वाला का कितना आ गया, एलवीएच आ गया, है ना। ठीक हो, इसलिए बाबू नो चेंज इन द वैल्यूम बाबू, इसलिए क्या लिखे बाबू, नो चेंज इन वैल्यूम, इसलिए क्या लिखेंगे, नो चेंज इन वैल्यूम, वैल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा ना, वैल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। लिखो सर, सर आपने बी नंबर में सर गलती से मीटर लिख दिया है सर, लेकिन वो सेंटीमीटर होगा, जान के से मीटर दिया गया, ठीक है ना, जान के दिया गया, गलती से नहीं लिखा, चलो लिखो जल्दी से। ए कौन सा होगा सर, ए वाला लिखे सर, ए वाला, ये सॉल्यूशन ए का है, ये सॉल्यूशन ए का है, बस इतना ही है, हाँ इतना ही है, जल्दी लिखो। मीटर में तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 7.20। कूट देगा पकड़ के, भगा देगा, अभी बहुत बोल रहा है बाबू सर, दिमाग खराब क्या करके रख देता है जी, इतना कोई बोलता है बाबू, बोला एक बार म्यूट कर देंगे, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो, जब भी पढ़ाएंगे तो उस समय पूछना, क्लास को डिस्टर्ब करता है, जब भी बोला बताएंगे तो उस समय पूछना। तो नंबर थ्री नहीं बताएंगे, फिर बताते हैं, पहले इसको फिनिश करो ना जी, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बाबू, अरे शैतान, पहले से ब्लू प्रिंट काहे नहीं भेजा बाबू पीयूष, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे थे ना जी, जी सर, पेरिमीटर एरिया पढ़ लिया बाबू सही से, नो सर, अरे पेरिमीटर एरिया नहीं पढ़ा बाबू, इसमें नहीं पढ़ा बाबू, ये सर मतलब सर मतलब पूरा सर मतलब पढ़ा हूँ सर, क्वेश्चन बुक वाला बनाया पेरिमीटर एरिया से सर, थोड़ा सा सर, बाकी बैठ के क्या करता है, अब रुको कल से आपका हिसाब किताब लेते हैं, सारे बच्चा का हिसाब, लिखो जल्दी से इसको, पेरिमीटर नहीं समझ, पेरिमीटर नहीं समझ में आया तो 8:30 से 9:30 पढ़ा रहे हैं, 8:30 से रुकना, इसके जस्ट 8:10 से 9 बजे पढ़ लेना, पेरिमीटर समझा देंगे सर, बैच एफ में, हाँ बैच एफ में सर, मेरे भी आ रहा पेरिमीटर एरिया सर, मीन एंड मीडियन, मीन मीडियन अभी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाएंगे जब नहीं बताएंगे, जल्दी लिखो इसको जी, बोले से जल्दी शुरू कर देंगे सर, हाँ तो जल्दी तो इसको खत्म करेंगे तब ना बाबू, जल्दी लिखो, मेरा सर डेटा हैंडलिंग नहीं सर, मेरा स्टैटिक सर, अच्छा ठीक है, सब वैसी होता है, डाटा हैंडलिंग स्टैटिक से दोनों सेम ही चीज होता है, लिखो जल्दी से, डन सर, नेक्स्ट बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर में क्या कह रहा बाबू, बी नंबर में क्या कह रहा, नेक्स्ट बाबू म्यूट करो जी, सॉल्यूशन देखो क्या कर रहा बाबू, हम लोग लेंथ डबल कर रहा, हाइट डबल कर रहा, ब्रेथ क्या कर रखा है, सेम रखा, तो हम लोग मान लेंगे बाबू बी नंबर, सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर, लेट बाबू लेंथ हम लोग मान लेते, लेंथ कितना मान लेंगे, लेंथ इक्वल टू एल मान लो, ब्रेथ हम लोग कितना मान लेंगे, ब्रेथ हम लोग कितना मान लेंगे, बी मान लेते हैं, और हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं ना, तो वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा,
यही करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, LBH हो जाएगा। अगेन बाबू म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है जी, क्या करते हैं म्यूट करो। नाउ बाबू मेरा नहीं, अब क्या क्या लेंथ को क्या क्या डबल कर दिया गया, लेंथ क्या कर दिया, डबल कर दिया। नाउ बाबू लेंथ इज डबल, लेंथ को अगर डबल कर देंगे, लेंथ को क्या डबल करने से पहले लेंथ एल था तब कितना हो गया, 2L हो गया ठीक। हाइट को डबल कर रहा है ठीक। ब्रेथ के बारे में क्या ख्याल है सर, ब्रेथ इज बाबू क्या है, सेम है तो ब्रेथ इज सेम, तो ब्रेथ सेम कहने का मतलब पहले जितना था, पहले एल ब्रेथ बी था तो अभी भी ब्रेथ कितना बी ही है ठीक। नेक्स्ट हाइट क्या है, डबल है। नेक्स्ट क्या, हाइट इज डबल, हाइट इज डबल, तो हाइट पहले कितना था, एच था, अब हाइट कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा। अब इस डाटा से वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड निकालो और कंपेयर करो दोनों को, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा सर, LBH हो जाएगा। ठीक यही हो जाएगा न्यू क्यूबॉइड का वॉल्यूम। हाँ सर, अब यहां से LBH वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, L की वैल्यू रखो कितना सर, 2L, B की वैल्यू क्या होगा सर, BA रह जाएगा, और H की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा, 2 कितना 4 हो जाएगा, LBH हो गया। अब कंपेयर करो, पुरनका का वैल्यूम कितना था, LBH था, 4 वाला न्यू वाला का कितना हो गया, 4LBH हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया, पुराने वाला से कितना है, 4 गुना है, पुराने वाला से 4 मल्टीप्लाई है तो 4 टाइम्स हो गया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड कितना हो जाएगा सर, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड क्यूबॉइड, है ना। कितना गिरेगा आपका, बहुत पिटेंगे अगस्त्या, शैतान खाली बैठता है सर, आदत परेशान कर रही है, परेशान कर रही है कुछ, म्यूट करो, परेशान कर रही है। नेक्स्ट बाबू, इसीलिए हम लोग क्या लिखे बाबू, लिखे भला, तो वॉल्यूम ऑफ जो न्यू क्यूबॉइड होगा वो, इसलिए बाबू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड जो बनेगा इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूबॉइड, लिखो आगे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, कितना बजे सोता है पीयूष, पीयूष कहता है साढ़े 10 बजे, क्या बजे, 10:30 बजे सर। मम्मी जी क्या बजे सोती है सर, मम्मी सर उतने ही बजे। अच्छा देखते हैं, क्लास के बाद कॉल करते हैं शैतान, आपका शेड्यूल अब अभी करना है, एग्जाम आ रहा है ना, जल्दी देखो जी, कैसे लोनी वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी बाबू, लिख ली बाबू राजनंदनी, थोड़ा सा जल्दी लिखे, समझ में आ रहा है लक्ष्मी, यस भोली लक्ष्मी, अरे शैतान लक्ष्मी था, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल ने आई का नहीं क्लास करने के लिए बाबू, लक्ष्मी सर अब मम्मी पढ़ना नहीं है सर, मैम ने कटवा दिया हुआ है, मम्मी कट, मैम कटवा दी बाबू, यस सर।
सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? कटवा दी मैम से ना, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इसलिए। अरे तो मैम से कंप्लीट नहीं होता था, हम लोग कंप्लीट कर देते ना बाबू। आपकी मैम को आता ही कितना है बाबू, वो कटवा बोलते ना बाबू कि क्या क्यों कटवा रहे हैं मैम, हम लोग का करियर की बात है। बढ़िया बाबू आप लोग के स्कूल वाला बाबू, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है चैप्टर हटा दो, क्या सिस्टम है जी। काश हम लोग का भी स्कूल ऐसा रहता बाबू। सर ये पहली बार मैं ऐसा स्कूल देख रही हूँ जिसमें मैम दूसरा चैप्टर खोल देती है। नेक्स्ट बाबू आसान से देखो बाबू, कंप्लीट नहीं होता एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाइए, सिलेबस जो उसको तो कंप्लीट करवाइए। क्या कर दे भाई लुमा फेक्यूबाइट दे ले 720 सेंटीमीटर क्यों, तो आपको क्या निकालना है ब्रेथ, फाइंड इट्स ब्रेथ इट लेंथ और इतना हाइट इतना दिया हमें, दिया हुआ क्या शांति से समझो। फाइव का ए नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है सर, क्या क्या दिया हुआ सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया बाबू, क्या दिया हुआ है शांति से समझना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे ले सर, 720 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ है ना, ठीक बाबू। फाइंड इट्स ब्रेथ लेंथ दिया हुआ, ये दिया हुआ क्या क्या, जो दिया हुआ डाटा वो लिख लेना, गिवन बाबू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, लेंथ कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू ए राजनंदिनी समझ में आ रहा है भोली? यस सर आ रहा है। बहुत शैतान हो शैतान, खाली सर्कल से शैतान। अब हमको जो दिया था हमको क्या निकालना है सर, वी हैव टू फाइंड द बबू लेंथ, हमको लेंथ निकालना है, क्या निकालना है लेंथ निकालना, तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट बबू, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी नो डेट क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड जानते हैं, इंक भी खत्म हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जानते हैं, क्या जानते हैं सर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट जानते हैं, ठीक। अब शांति समझना, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, जो डाटा दिया उसको लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया ले सर, ये वाला दिया हुआ है 720 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, लेंथ मेरा 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ब्रेथ निकालना, ब्रेथ है लेंथ तो दे ले है, तो ब्रेथ में निकालना रहेगा, यहाँ से क्या निकालना ब्रेथ निकालना, 720 सेंटीमीटर क्यों, लेंथ मेरा दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं दिया होता ब्रेथ को हम लोग बी मान लेते हैं, हाइट दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब आपको बोले थे बाबू इधर मल्टीप्लाई में सारा डाटा था, इसको इधर लेके आओ, ब्रेथ वाले को छोड़ दो, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, 720 सेंटीमीटर क्यों, ये 15 और 6 मल्टीप्लाई में है, तो 15 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई 6 कितना 90 हो जाएगा, सीएम सीएम कितना सीएम स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ब्रेथ हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई में ना बी के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 720 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा। ये 90 से कितना टाइम में, 8 टाइम में, एगो जीरो मर गया तो 8 टाइम में, ऊपर सेंटीमीटर क्यों है नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखोगे ना जी, ऊपर कितना हो गया 8 हो गया, सेंटीमीटर क्यों को क्या करेंगे 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना, हाँ सर, ना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या करोगे, नीचे ये कट गया सी एम स्क्वायर है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 को सी एम मर गया, क्या बचेगा 8 बचेगा, इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सी एम हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। एक हफ्ते वीडियो ऑन करो बाबू, ऐसे तो सुबह कहाँ गया जिंदा सर यहीं पे आता लिख रहा है, लिख कहाँ गया सुबह सर, लिख रहा हूँ अभी, फोटो खींच के भेजो।
आपने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है सर? क्योंकि 5 × 15 × 6 करेगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रहेगा ना सर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे? अरे सीएम सीएम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो सीएम स्क्वायर होगा ना जी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए बाबू, थोड़ा सा आप लोग लिखने में तेज रहो। एरोसनी लिख रही हो जी? डन सर। सर मेरा पहले से ही लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कछुआ। सर मिटा दीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। बहुत पिटेंगे सर। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। देखो 5 के बी में हमको क्या करना है सर? क्या करा? फाइंड इट्स लेंथ। हमको क्या निकालने करा? लेंथ निकालने करा। इफ इट्स ब्रेथ इज 9 मीटर तो हमको दिया हुआ क्या बाबू? दिया हुआ क्या है ना 5 का बी बाबू? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको दिया हुआ है कितना सर? 720 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमको क्या निकालने करा सर? इसका लेंथ निकाल, ये ध्यान देना, लेंथ निकालने करा। ब्रेथ दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ? ब्रेथ मेरा दिया हुआ सर 9 मीटर। अब यहां से समझना है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसा बोलो नहीं, कैमरा डाउन करो जी। अब ब्रेथ मेरा 9 मीटर दिया तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में, तो 9 में कितना हो जाएगा? 9 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ठीक सर। हमको हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 मीटर हुआ कितना? 4 × 100, ये 400 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ठीक सर। और लेंथ हमको निकालना है, लेंथ हमको क्या करना है? निकालना है लेंथ हमको, क्या करना है? निकालना है ना। तो जो चीज निकाल फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग जनरली नीचे लिखते हैं। हमको क्या करना है? लेंथ हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना। क्या गप करे बाबू आराध्या, बहुत कूटेंगे। तो हमको जानते हैं सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? LVH होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है सर 720 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ मेरा बाबू दिया हुआ है, लेंथ हमको निकालना है, तो जो चीज निकालना है उसको L मान लो। ब्रेथ की वैल्यू मेरा दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर। ठीक ठीक बाबू। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे है ना। इसको बाबू 720 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? 3 बार लिख सकते हो, पावर 3 है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में है। लेंथ 9 × 3 जा कितना? 36 हो जाएगा। 9 × 4 जा 36 पे डबल, 4 × 0 दो दो, 4 × 0 सीएम कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, इसको इधर लेके आओ भोला,
तो 720 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 36। ये 36 4 टाइम 0 cm स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। अब फेर कर रहा है निको कितना तक दिन वाला फेर बाकी है जी निको सर कितना दिन का फेर बाकी है cm cm स्क्वायर को हम लोग cm दोबारा लिखो एगो सीएम मर गया दूसरा सीएम मर गया जीरो से जीरो मर गया 72 से कितना टाइम में मरेगा जी कैंसिल आउट करो बाबू से सर सर आप मुझे कुछ बोले हाँ बाबू 72 से बाबू 72 कितने बार में कटेगा 5, 7, 5, 35 एक दो तीन जीरो 5000 में कटेगा सर आप मुझे कुछ बोल रहे थे नहीं जी कुछ नहीं बोल रहे थे इसीलिए बाबू लेंथ बराबर कितना आ गया लेंथ बराबर कितना आ जाएगा 1/5000 सेंटीमीटर आ जाएगा अगला क्वेश्चन करके लाइएगा जल्दी से लिखो स्टार्ट होगा नहीं जी अभी 10 मिनट देर है ए जी म्यूट करो जी एगारो बारो रधिया का हाल करे जी सर सर भैया को म्यूट करने बोलिए सर मैं दोनों को कूटेंगे जल्दी लिखो बाबू देरो नहीं पोनो ला पोनेलो म्यूट करा रिया काहे से कर रही हो जी सर सुबह वाले बैच में सर्कल शुरू हुआ है क्या फिर बीच में अरे आप पहले आओ पढ़ने के लिए दिमाग खराब मत करो जरा ओके सर अरे दे शांत रहिए अपना बैच में बोलिए हल्ला मत कीजिए नेक्स्ट बाबू अगला सर मेरा नाम बहुत अच्छा है देखिए मेरा नाम इसको करके लाना किसान में नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी 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 सर मत मिटाएगा सर 1 सेकंड सर ऊपर मत मिटाएगा सर 1 सेकंड सर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर जल्दी देखो हाउ मेनी बाबू राइस टर्न हाउ मेनी सोप केक कैन बी प्लेस्ड करके लाना है करता है इन ए बॉक्स बाबू ये करके लाना है शैतान तो दिखाना है चिढ़ाना है क्या केक है हाउ मेनी सॉफ्ट केक्स बाबू कैन बी प्लेस बाबू इन ए बॉक्स ऑफ साइज ब्ला ब्ला 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 0.25 मीटर इफ इफ द साइज ऑफ ए सोप सर शुभ्रन ने नाम रखा है सर संदीप छोटू अस्ता ने नाम रखा है राध्या कुमारी क्योंकि वो लड़की है यहाँ यूनिट ध्यान देना 0.4 मीटर मेरा नाम सही है ऐसा दाना कस्ते है शांत रहो खले अल्लाह करते रहो लक्ष्मी वीडियो ऑन कीजिए बाबू सर हाँ कछुआ इसका सी नंबर डीआईवाई है हाँ सी नंबर डीआईवाई ये वाला डीआईवाई है सर कोई नेक्स्ट खेल रहा है ये 7 नंबर व्हाट विल
हल्ला मत करो. व्हाट विल हैपन बाबू इफ लेंथ इज ट्रिपल. Length is triple, breadth is double, breadth is double and height is same. सर सबसे अच्छा चीज बताऊं क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर लिख देते हैं. ओके क्यूबाइड. कल हम लोग पढ़ लेंगे क्यूब के बारे में. इसको तीन क्वेश्चन बना के लाइएगा. कल हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेंडर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर डाटा हैंडलिंग वगैरह पढ़ाएंगे. इसका जो चैप्टर है बाकी पी उसका देखते हैं. शैतान क्लास एंड. हाँ मम्मी से बात कैसे होगा पीयूष? शैतान सर अभी मैं एक्सरसाइज का समझाऊं. देखते हैं बाबू 9:30 बजे तो छुट्टी होता है सर. एक्सरसाइज का समझ आना है.